हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीएसआईआर नेट नवंबर 2020 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछा गया था वो कंट्रोवर्शियल था, और उसमें जो आंसर है जो होना चाहिए था वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कंट्रोवर्शियल और चैलेंजेबल क्वेश्चन था। कुछ स्टूडेंटों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा भी था, और मैंने उन्हें बताया भी था कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स है तो इसका आंसर चेंज होना चाहिए, तो मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन में है, स्पिन हाफ फर्मियंस ऑफ मास स्मॉल एम एंड फोर एम आर इन द हार्मोनिक पोटेंशियल वी एक्स इजकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दे रखा है कि स्पिन हाफ फर्मियंस हैं और उनके मास जो है एम और फोर एम है, और पोटेंशियल जो जिसके अधीन वो रखे गए हैं, पोटेंशियल की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर है। विच कॉन्फिग्रेशन ऑफ फोर सच पार्टिकल्स हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो पूछा कि कौन से कॉन्फिग्रेशन में जो ये फोर सच पार्टिकल हमें पुट करने हैं जो हमारी एनर्जी है वो लोएस्ट होगी। तो जो आंसर दिया है, जो एनटीए से आंसर आया है उसका, वो आया फोर्थ आंसर, टू पार्टिकल ऑफ मास एम एंड टू, जो टू पार्टिकल्स हैं उनका मास फोर एम है। तो इस तरीका से इसका आंसर दिया गया है, डी आंसर अप्रोप्रिएट दिया गया है, फोर्थ जो अल्टरनेट है। तो मैं इसके सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारी हैं और कहाँ पर एनर्जी हमारी इसमें लोएस्ट आ रही है। तो ग्राउंड स्टेट उसी एनर्जी को कहते हैं जहाँ पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो मिनिमम हो, मींस जो हमारे पार्टिकल हैं उन्हें हम पुट कर लें, जो हमारे आंसर हैं वो दे रखे हैं, फोर पार्टिकल ऑफ मास एम, फोर पार्टिकल्स ऑफ मास फोर एम, वन पार्टिकल ऑफ मास एम एंड थ्री पार्टिकल ऑफ मास फोर एम, और टू पार्टिकल ऑफ मास एम एंड टू पार्टिकल ऑफ मास फोर एम। ये हमारे आंसर्स हैं जो हमें आंसर में दे रखे हैं। तो हम चेक करते हैं पहले फोर्थ अल्टरनेट को, कि जो आयोग ने दिया है, जो एनटीए ने दिया है, तो उसको हम देखते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी कितनी ऑब्टेन होती है। तो क्या करें कि इसमें हमारी पॉसिबिलिटीज ये है। देखो, मैंने इसके समझाया है कि हम सब जानते हैं कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें एनर्जी जो होती है वो एन प्लस हाफ ब्रैकेट में एच कट ओमेगा होती है, जहाँ एन क्वांटम नंबर और ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसी को लें, दो पार्टिकल मास एम के यहाँ पुट कर दें और दो मास फोर एम के, ये ग्राउंड मतलब इसके लिए जो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी वो हाफ एच कट ओमेगा होती है, और जो एक्सा किस्केट की एनर्जी वो 3/2 एच कट होती है, क्योंकि एन की वैल्यू को 0 और 1 रखेंगे। तो दो पार्टिकल मास एम के स्टेट में रख दें, दो पार्टिकल्स जो है फोर एम जो मास के वो एक्सा की स्टेट में रख दें। और ये हमने इसलिए किया है कि जब स्पिन हाफ के फर्मियंस होते हैं तो स्पिन हाफ के करस्पॉन्डिंग जो स्पिन क्वांटम नंबर एम एस की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग दो फर्मियों से एक स्टेट में रह सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पिन हाफ नहीं, स्पिन लेस फर्मियोंस कहता तो केवल एक फिल करते हैं, और अगर स्पिन हाफ के लिए कहता है तो हम जो है तो भर सकते हैं एक स्टेट में। तो इस कंसेप्ट को मैं बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो क्या करें कि एनर्जी कैलकुलेट करें, यहाँ पे मास एम के दो रखे हैं, यहाँ मास फोर एम के रखें, तो एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट की आएगी हाफ एच कट ओमेगा एक के लिए होगी, तो हमने लिए, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मान लें ओमेगा वन है, तो ओमेगा वन की वैल्यू √k/m होगी क्योंकि यहाँ पे मास एम है। और इधर दो पार्टिकल रख दें जिनकी एनर्जी जो है 3/2 एच कट ओमेगा टू है, और दो हैं तो उनकी एनर्जी हो जाएगी 2 × 3/2 एच कट ओमेगा टू। ओमेगा टू की जो वैल्यू है, ओमेगा हम सब जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी √k/m होती है, कि जहाँ पे फोर्स कॉन्स्टेंट होता है और एम मास होता है, तो ओमेगा टू के लिए √k/4m होगा क्योंकि यहाँ पर 4m के रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाफ √k/m होगी। अब क्या करें, यहाँ पे ओमेगा वन की वैल्यू को √k/m यहाँ पुट कर दें और ओमेगा टू की वैल्यू को हाफ √k/m यहाँ पुट कर दें, टू से टू को कैंसिल आउट कर दें इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी एच का √k/m यहाँ से आएगी, और यहाँ से वैल्यू जो टू से टू कैंसिल के बाद जो वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी वो मिलेगी 3/2 एच कट अंडर √k/m। इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे एनर्जी 5/2 एच कट √k/m होगी। तो ये हमारी एनर्जी आ गई इस केस के लिए। अब क्या करें कि एक पॉसिबिलिटी हमारी ये हो सकती है कि एम और फोर एम के हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, फोर एम वालों को इस स्टेट में रख लें और एम वालों को इधर रख दें। तो रिवर्स करके देखें, वहाँ पर यहाँ मैंने एनर्जी निकाली है कि अगर फोर एम वालों को इस स्टेट में रख देंगे ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ पे एम मास के वालों को एक्साइटेड में रख देंगे, तो उनकी एनर्जी होगी 2 × ½ एच कट ओमेगा वन प्लस 2 × 3/2 एच कट ओमेगा टू। अब ओमेगा वन और ओमेगा टू चेंज हो जाएंगे जब फोर एम को यहाँ लाएंगे, एम को इधर लाएंगे, तो ओमेगा वन की वैल्यू √k/4m मीन्स हाफ √k/m होगी, और ओमेगा टू √k/m हो जाएगी अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ से टू कैंसिल करें, या टू से टू कैंसिल करें, तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी एच कट बाई टू √k/m
प्लस यहाँ से आएगी 3h का क्यूब के बाई एम। उसके बाद क्या करें, दोनों को ऐड कर दें तो ये वैल्यू आएगी 7/2h का क्यूब के बाई एम। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस कॉम्बिनेशन में जो हमने ये रखा था यहाँ पे एनर्जी इतनी थी और इनके रिवर्स में एनर्जी इतनी थी। अब हम देखते हैं कि जो इसका आंसर अप्रोप्रिएट मुझे लगता है वो ये लगता है 4 पार्ट के लॉ मास फॉर एम लें। यहाँ पे मैंने उनकी एनर्जी निकाली है दोनों पार्ट के, यहाँ भी 4m के रख लें और दोनों पार्टिकल्स, और यहाँ भी 4m के रख दें दोनों पार्टिकल्स, तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होगी 2 × ½h^2 + 2 × 3/2h^2, और ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ पे और ओमेगा 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर हम 4m के रखेंगे, वो वैल्यू हो जाएगी ½√kM। उनको दोनों को पुट कर दें तो यहाँ एनर्जी हमारी 2h^√kM होगी। इस वैल्यू को जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और ये एनर्जी 2h^√kM हो गई, यहाँ पे एनर्जी हमारी आ रही है 2.5h^√kM, तो यहाँ पे ये एनर्जी कम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जी ये कम है और यहाँ पे एनर्जी ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब एनर्जी कम आ रही है तो वही हमारी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जहाँ लोएस्ट होगी वो हमारी मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारी वैल्यू होगी। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें बताएं कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी किस केस में होगी। तो लोएस्ट वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लोएस्ट वैल्यू मिल रही है वो 2h^√kM हमें ऑब्टेन हो रही है, और यहाँ पे जो लोएस्ट एनर्जी मिल रही है इस केस में वो 5/2h^√kM आई है। तो आयोग का आंसर मुझे यहाँ से अगर हम दोनों को, इन दोनों आंसरों को देखें तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मीन्स इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से ये आंसर जाना चाहिए था, लेकिन जो NTA ने आंसर दिया है वो ये दिया है। तो मुझे इसमें कंट्रोवर्सी लगती है और इसको चैलेंज किया जा सकता है। मैंने कुछ स्टूडेंटों से कहा भी था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कि इसको चैलेंज कर सकते हैं, तो जिन्होंने चैलेंज किया होगा मुझे उम्मीद है कि इस पर आयोग विचार करेगा और इसके आंसर में चेंज की संभावना बन सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे आप बताएं कि ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया, अगर नहीं आया है तो आप बताएं, मार्क करें, मैं आगे और वीडियो डिटेल में डिस्कस के लिए डालूंगा इसमें। तो इस चैनल को लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें इसके कंटेंट को लगातार। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।